नंबर 17, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये वाला कर्व देखिए, आप ध्यान से चेक करिए, कर्व है आपके पास क्या, y इज इक्वल्स टू x इनटू मॉड ऑफ x, x इनटू मॉड ऑफ x, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ओपन करना आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको किसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको मॉड ऑफ x का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मॉड ऑफ x देखिए ध्यान से, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड ऑफ x आपका x आता है, और जब x इज लेस देन यानी कि x का वैल्यू जब नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x क्या आता है आपका, माइनस x आता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ध्यान से चेक करिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, जीरो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो ध्यान से चेक करो, ये जो बाहर मॉड के बाहर जो x लिखा है तो ऐसा ही रहेगा, उसको छोड़ो आप, मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, x इंटू x, x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x का जो डेफिनेशन है वो x स्क्वायर है। ठीक, लेकिन ध्यान दें, जब x इज लेस देन जीरो यानी कि x जब नेगेटिव है तो देखो बाहर जो x है तो ऐसे ही रहेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे x नेगेटिव है तो इसको माइनस x लो, क्यों भाई, x का वैल्यू होगा ना कुछ नेगेटिव, उससे हमें नहीं पता, हम तो मॉड को चेक कर रहे हैं बस। तो जब x इज लेस देन जीरो होता है तो मॉड ऑफ x की जगह क्या आता है, माइनस x, तो मॉड ऑफ x की हम क्या लिखेंगे, माइनस x, यानी कि x इंटू माइनस x। अब ध्यान से चेक करो, x इंटू माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जब लेस देन जीरो तो y कितना हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, और x की वैल्यू जब इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक, अब इसका अगर कर्व आप बनाओगे, देखते हैं जरा कर्व इसका कैसा आता है। एक बार फ्रेश डेफिनेशन लिख दूं मैं, यहाँ फ्रेश डेफिनेशन देखिए, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x जो है, ठीक, वो आता है आपका x स्क्वायर। ऐसा कब होता है, कंडीशन क्या, ऐसा कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, एंड y के दो डेफिनेशन बन गए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो y इज इक्वल्स टू x इंटू मॉड ऑफ x क्या आता है, माइनस x स्क्वायर आता है, कब, जब आपका x इज लेस देन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, मेन इसमें है कर्व ड्रॉ करना। जब कर्व ड्रॉ हो जाएगा तो बात आपकी यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। ओके, चलो देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखो, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो पोर्शन है वो कैसा आएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, चेक करो ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्म दिख रहा है ये कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म है आपका पैराबोला टाइप का। ठीक है, y इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, नाउ अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई और दो चार पॉइंट लेते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ आता है, थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाएगा तो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, ध्यान चेक करिए, x की वैल्यू क्या ले सकते हो, जीरो। तो x हमने यहाँ क्या रखा, x रख रहे हैं और यहाँ हम नीचे y रख रहे हैं, तो x की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू जीरो को, जीरो का स्क्वायर जीरो, y कितना हो जाएगा, जीरो। अब x इज ग्रेटर देन भी जीरो यानी कि x का वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, तो x का वैल्यू अगर हम लोग वन लेंगे तो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन। फिर x का वैल्यू टू लो तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर। ठीक है, फिर x का वैल्यू आप थ्री ले सकते हो तो थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, नाइन हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन चल रहा है, x का वैल्यू अगर आप फोर लोगे तो आपके पास हो जाएगा फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन, कुछ ऐसा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचें यहाँ पर, तो यहाँ मान लीजिए वन आ रहा है, यहाँ टू आ रहा है, यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ फोर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, करेक्ट। अब देखो जीरो पे जीरो आ रहा है, ठीक, जीरो पे जीरो, वन पे वन, यानी कि एक्स इक्वल्स टू वन पे वन, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर टू पे फोर आ रहा है तो एक्स इक्वल्स टू टू पे फोर आ रहा है, यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, और थ्री पे नाइन आ रहा है तो एक्स इक्वल्स टू थ्री पे नाइन, नाइन कहाँ मिलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन यहाँ मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू थ्री पे आपको नाइन मिल रहा है यहाँ। ठीक है, तो कुछ आपको उम्मीद लग रही हुई, आप सोच रहे हो स्ट्रेट लाइन तो देखो नहीं जाएगी, इतना तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स थोड़ी ना जो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा घूम के आएगा कर्व, तो समवन समवट लाइक दिस आएगा आपका कर्व।
ये ना आपका कुछ इस तरीके से लगभग ग्राफ आएगा, थोड़ा कर्व होगा, ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये ऐसा होगा, ये मैंने अंदाजे से बनाया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वाई इक्वल्स टू एक्स होता तब स्ट्रेट लाइन आती, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसके लिए, एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब हम बना रहे हैं किसके लिए, अब हम चलिए टेबल बना लेते हैं किसके लिए, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए। ठीक है ना, यहीं पे बना ले, तो ध्यान से चेक करो कि एक्स की वैल्यू लेस देन अगर जीरो लोगे, यानी कि एक्स की सभी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि जीरो नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव लीजिए, यानी कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये सब लोगे। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए कि एक्स की वैल्यू अगर आपने माइनस वन ली, अब ध्यान दो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वाई पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं भाई, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए ये वाला डेफिनेशन चलेगा ना, तो एक्स की जगह माइनस वन रखो, माइनस वन का स्क्वायर तो वन होगा और आगे माइनस लगा, यानी कि माइनस वन ही आ जाएगा। ठीक, अब एक्स की वैल्यू माइनस टू लो, ध्यान चेक करो, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू मैं चूज करूँ तो वाई इज इक्वल टू फोर नहीं आएगा, माइनस फोर आएगा, कैसे, ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा और एक्स का स्क्वायर है, यानी कि माइनस टू का स्क्वायर है, तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर होता है, यानी कि माइनस फोर आएगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पे आपके पास माइनस फोर आएगा, फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रखोगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और आगे माइनस लगा, यानी कि माइनस नाइन आएगा। ठीक है ना, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पे माइनस सिक्सटीन आएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो कुछ आपकी स्थिति ऐसी होगी, देखिए वन टू और थ्री फोर, ठीक है, फिर यहाँ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन, माइनस ट्वेल्व, माइनस थर्टीन, माइनस फोर्टीन, माइनस फिफ्टीन, माइनस सिक्सटीन, ऐसा कुछ। अब ध्यान से करो, माइनस वन पे वन, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे माइनस वन, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, माइनस टू पे माइनस फोर, तो माइनस टू पे ये माइनस फोर यहाँ कहीं आएगा, ठीक, और माइनस थ्री पे माइनस नाइन, तो माइनस थ्री पे ये माइनस नाइन आपका यहाँ कहीं ऐसे करके आएगा, माइनस थ्री पे माइनस नाइन यहाँ कहीं है, मतलब आप ध्यान से करो, ऐसा ही कर्व बनेगा, बट ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा अंदाजा आपको मिल होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, लगभग ऐसा। ठीक है ना, तो ये कर्व आपको लगभग बन गया, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब ये मेजरमेंट सब हटा देते हैं, ये तो हमने आपको दिखाने के लिए बताया था, तो इस तरीके से ग्राफ आप इसका बना सकते हैं। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस कर्व ही है, ध्यान से चेक करो, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, मतलब आप जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्कर आपको उठाना नहीं पड़ेगा, ये ऐसे। ठीक, हाँ, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो गई थी, तो हमने दो बार टेबल बना के इसको ड्रॉ कर लिया, अब तो कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से चेक करो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ आ रहा होगा, लेफ्ट में, देखो आ तो यहीं पर आए इस मेजरमेंट के हिसाब से यहीं पे, बट वो फिर रीजन बहुत छोटा हो जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू माइनस वन पे मैं लाइन अगर ऐसे ले जाऊँ सोचो तो तुमको दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चलो एक बार बना देता हूँ, मान लो ये माइनस वन है और ये क्या है वन, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन ऐसे जाएगी और एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन ऐसे करके जाएगी। ठीक है ना, तो अगर इतने पोर्शन का मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो तुमको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करना, चलो जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, ये एक लाइन ऐसे जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, और ये वाली जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू वन, करेक्ट, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, ये वाई है, ये कर्व है आपका, वाई इज इक्वल्स टू क्या, एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, ये कर्व है। ठीक है, और ये वाला जो कर्व है वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, और ये जो लाइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, ओके, इसका ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको अगर हम ए बोले तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना होगा, माइनस वन, और वाई कोऑर्डिनेट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि ये ए पॉइंट लाइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन पे लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस वन, और यहाँ पे हमने इसका नाम रखा बी, और ये ओरिजिन ओ। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इसका नाम एम रखा, एम इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एक्स इज इक्वल टू वन एंड कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, ओके, तो एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वन होगा, वाई से मुझे मतलब नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, क्योंकि एम कहाँ आ रहा है, लाइन एक्स इज इक्वल टू वन पे, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक, अब तो आप समझ गए होगे कि हमें एरिया बाउंडेड बाय क्या, ध्यान से चेक लो, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, तो एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स वाला पोर्शन ये रहा, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ये रहा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाला पोर्शन, एक्स इज इक्वल टू वन वाला पोर्शन ये रहा, एंड द एक्स एक्सिस, तो ये रही आपकी एक्स एक्सिस, तो ये रीजन आपको निकालना है, एम ओ ए बी ओ, ये पूरा निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, सॉरी इसका नाम भी कुछ रख दो, एम एम एन ओ ए बी ओ, ये रीजन निकालने के लिए एम एन ओ निकालो और फिर ओ ए बी निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है ना, तो निकालते हैं, वैसे तो
आई थिंक दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ऑब्वियसली दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो आप एक ही एरिया निकाल के उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, बात आपकी बन जाएगी, बिकॉज ये एक्स इज इक्वल टू वन वाली लाइन है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन है ना, टेंशन कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, टॉप पॉइंट पी, बॉटम पॉइंट क्यू, और ध्यान से, अच्छा हाँ एक चीज़ हो गई, सुन लो, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस तो है, नो मतलब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस कैसे हम बोल रहे हैं ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखिए इसको पलट के रखोगे यहाँ कहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान से चेक करो तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, इतना मैथ्स तो सबको आता होगा। कैसे चेक करो ना, ये कर्व है और एक्स इक्वल टू लाइन वन है, ये वही कर्व है और एक्स इक्वल टू माइनस वन है, तो जो ये होगा वही ये होगा, फिर भी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, दोनों का एरिया सेम ही आएगा। मैं आपको दोनों निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ओ एम एन का एरिया निकालिए, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स, और लिमिट है ध्यान से करो पी क्यू स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो ओरिजिन ओ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, वाई भी जीरो, तो ऑरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, जीरो से लेके एम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वन, तो जीरो टू वन आप इंटीग्रेट करोगे, वाई की जगह क्या रखोगे, अब ध्यान दें जरा, देखो बच्चों जो पॉइंट पी उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होंगे, वाई कहाँ आएगा इस कर्व पे, कौन से कर्व पे, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स पे, यानी कि वाई की जगह हमें क्या रखना है जीरो टू वन में, वाई की जगह हमें रखना है एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, ध्यान दें एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स कितना आया था एक्स स्क्वायर, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट जीरो था, तो ध्यान से करो ये वाले रीजन में आपका एक्स हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना भाई, जीरो से लेके वन तक या तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो आपकी डेफिनेशन कौन सी चलेगी, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, ओके, और लिमिट है आपकी जीरो टू वन, इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वन रखो, वन का क्यूब वन, वन बाय थ्री, और एक्स किया जीरो, तो वन बाय थ्री माइनस जीरो वन बाय थ्री हो गया, ठीक। अब आप एरिया निकालिए ओ ए बी का, चलिए तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी यहाँ पर निकाल देते हैं, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए और इस वर्टिकल स्ट्रिप का नाम आर एस रखा, ठीक है। अब ध्यान चेक करो ये जो भी एरिया ले रहे हो आप मॉड में लोगे, बिकॉज एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ओ ओ ए बी ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, जब एक्स एक्सिस के बिलो यानी कि नीचे आता है एरिया, तो हमारा एरिया कैसा होता है, हमारा एरिया नेगेटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम मॉड पहले ही ले लेते हैं। तो ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट जब रन करेगी तो माइनस वन से जीरो पे, ध्यान चेक करो पॉइंट एस कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बी से ओ पे, या फिर आर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ए से ओ पे, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन और ओ का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो माइनस वन टू जीरो वाई डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान दें y की वैल्यू क्या रखोगे, अब y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे, क्यों, क्योंकि बिटवीन द लिमिट 0 टू माइनस वन या माइनस वन टू 0 x हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 तो पहले ऊपर वाले डेफिनेशन में कवर हो गया है, ठीक है। अब जो भी x का वैल्यू है वो 0 से लेस होगा, x का वैल्यू 0 से लेस होगा, कहां तक होगा, माइनस वन तक, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है, y की जगह क्या रखेंगे, x इंटू मॉड ऑफ x, पहले तो हमने क्या रखा माइनस वन टू जीरो, वाई की जगह एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स रखा, और क्योंकि एक्स इज लेस देन जीरो है तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड ऑफ माइनस वन टू जीरो, और यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस कुछ नहीं करना है, तो इसको मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आपका एरिया जो भी नेगेटिव आएगा तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। चलो देखो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो माइनस वन टू जीरो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये मॉड नौ, ये माइनस बाहर वाला ऐसे ही लगा रहने दीजिए मॉड के अंदर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स क्यूब बाय थ्री, और लिमिट लगेगी आपकी कहाँ से कहाँ, माइनस वन टू जीरो, तो माइनस वन टू जीरो नौ, सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है जीरो रखो, जीरो क्यूब वन थ्री कितना जाएगा जीरो, तो मॉड और यहाँ माइनस, यहाँ आ गया जीरो, फिर माइनस, अब ध्यान दें एक्स की माइनस वन रखो, तो माइनस वन का क्यों माइनस वन ही होता है, माइनस वन पॉइंट थ्री आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस वन बाय थ्री, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, तो मॉड ऑफ ये माइनस देखिए ऐसे ही है, ठीक। अब देखो जीरो का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जीरो माइनस समथिंग तो उतना ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया यहाँ वन बाय थ्री, पॉजिटिव का वन बाय थ्री आया, लेकिन ये वाला जो माइनस लगा था उसकी वजह से हमने माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, और ये वाले माइनस से माइनस, ठीक। अब मॉड ऑफ माइनस वन बाई थ्री क्या जाएगा, वन बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स, मैंने आपको बोला था जितना एरिया इस रीजन का आएगा उतना ही यहाँ का आएगा, यहाँ का वन अपॉन थ्री था तो यहाँ का भी वन अपॉन थ्री, अब वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री कितना होता है टू बाई थ्री, है ना, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, टोटल एरिया टू बाई थ्री।